अभी मैं खड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पटना में और यहाँ पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसमें बहुत लक्ष्य हैं, कोविड को लेकर जागरूक किया जाएगा और रिकॉर्ड संख्या में कोविड का टीकाकरण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ तस्वीर बनाई जा रही है बालू से और कलाकार जो हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना रहे हैं। साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि चूंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके चित्र के पीछे साफ दिख रहा है कि भारत के मानचित्र के साथ इनका तस्वीर बनाया जा रहा है और उसके साथ में बिहार का मानचित्र है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी का कमल, वह भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो कलाकार हैं, हम बात करेंगे, क्या आप ये बना रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इसलिए ये बनाया जा रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है जो कि गंगा के बालू के माध्यम से बनाया जा रहा है और इस पेंटिंग में आप इस माध्यम में देख सकते हैं कि पीछे में हिंदुस्तान के मानचित्र को दर्शाया गया है। हिंदुस्तान के मानचित्र को इसलिए दर्शाया गया है ताकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के बीच में जाके हिंदुस्तान के प्रति जो उनका प्यार और स्नेह है, जिस तरह का वो कार्यक्रम करते रहते हैं लगातार और योजनाएँ जिनसे कई लोग लाभार्थी हैं उसके, इस वजह से मैंने इसमें हिंदुस्तान के नक्शे को दर्शाने का प्रयास किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें एक साइड में आपको भाजपा का लोगो भी दिखने को मिलेगा कमल के माध्यम से और साइड में एक आपको बिहार का नक्शा भी देखने को मिलेगा ताकि जिससे पता चल सके कि ये बिहार का ही मतलब ये एक सैंड आर्ट किया गया है। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाए जाने की तैयारी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं, किस तरह से देखते हैं मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्या तैयारियाँ चल रही है? तैयारियाँ तो आप देख रहे हैं, चूँकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि नए भारत के निर्माता के रूप में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, इसलिए 17 से लेकर 7 तक ये पूरे 20 दिन का कार्यक्रम पूरे बिहार के कोने कोने में मनाया जा रहा है। उसी के तरफ से कला संस्कृति प्रकोष्ठ जो हमारा है उसके तहत यहाँ पर ये निर्माण कराया जा रहा है कलाकारों के द्वारा, ये सैंड आर्ट यूज़ किया जा रहा है जिसमें पोर्ट्रेट हमारे माननीय मोदी जी का है। उसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा आदर्श ग्राम, देखने के लिए मिलेगा। आप कल देखेंगे जब ये कल पूरा निखर जाएगा तो उस समय कल आप देखेंगे कि आपको यहीं पे राम मंदिर की झांकी मिलेगी, राम मंदिर देखने के लिए मिलेगा, प्लस कश्मीर पहली बार आपको देखेगा, कश्मीर का झांकी देखने के लिए मिलेगा जो इस बार पहली बार हुआ है कि लाल चौक को तिरंगा के कलर में आपने देखा होगा। उसी तरह का यहाँ निर्माण करने की कोशिश की गई है, डिजिटल इंडिया की बात होगी या बहुत तरह का ये कलाकारों के द्वारा कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा ये बनाया जा रहा है और कल इसी मंच से आप देखें मंच बन के तैयार है। यहाँ कलाकारों के द्वारा देशभक्ति गीत का भी आयोजन किया गया है। इसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है, खास करके नरेंद्र मोदी जहाँ तक देश के लिए सोचते हैं और देश की जो स्थिति है मजबूत रहे, कोरोना को लेकर पूरा जो विश्व है इस समय काफ़ी चिंतित है, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम में लगे हैं, किस तरह का संदेश? बड़ी बात, देखिए ये कार्यक्रम ही हो रहा है सेवा और समर्पण का ही कार्यक्रम है। ये पूरे 20 दिन का जो कार्यक्रम है सेवा और समर्पण का, विभिन्न मंच मोर्चा तरह तरह का आयोजन का, टीकाकरण बहुत बड़ा लक्ष्य है कल का जो है 30 लाख लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। ये 27 लाख था, कल रिकॉर्ड बीट होगा, 30 लाख लगेगा, ये अपने आप में एक बड़ा बात है। उसी तरह सब लोग जो अलग अलग मंच मोर्चा है वो सब विभिन्न तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, मंदिर में पूजा होगा, कहीं फल बांटे जाएंगे, कहीं किताब बांटे जाएंगे, ऐसे सेवा कार्य ही 20 दिन तक लगातार चलेगा। अपना परिचय? वरुण कुमार सिंह, प्रदेश संयोजक, कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश। तो आप देख रहे हैं कि हम और दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश जो है आगे बढ़ रहा है, यहाँ दिखाया गया है तस्वीर के जरिए एक पेंटिंग बनाई गई है कि गाँव में महिला जो हैं खेती कर रही हैं, ट्रैक्टर भी है और एक आदर्श गाँव कैसा होना चाहिए उसको दिखाया गया है। वहाँ स्कूल जाते बच्चे दिखाई दे रहे हैं, स्कूल के बस दिखाई दे रहे हैं और गाँव में गैस की जो सुविधाएं हैं, गैस जो नरेंद्र मोदी ने जो गैस के लिए आह्वान किया था, बैंक और गैस की भी दिखाया गया है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है और कल के दिन एक स्पेशल दिन के रूप में देखने का मौका मिलेगा।
पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।